भारत G20 के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्या दिल्ली वाले भी तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली के लोगों में एक डर बैठ गया है कि 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है। क्या वाकई ऐसा है? तो सुन लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि इन 3 दिनों के लिए दिल्ली में क्या खुला रहने वाला है और क्या बंद। तो चलिए जानेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर G20 है क्या, ये काम कैसे करता है। दरअसल भारत में G20 देशों की बैठक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होने जा रही है। भारत में इस तरह का इतना बड़ा पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। भारत में G20 का 18वां सम्मेलन हो रहा है, इससे पहले 17 बार ये बैठक हुई है। G20 की स्थापना साल 2008 में की गई थी और पहली इसकी बैठक अमेरिका में हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर G20 सम्मेलन क्या है और इसका आखिर मकसद क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि G20 का गठन किस तरह से किया गया। दरअसल G8 देशों का विस्तार है। शुरुआत में G7 ग्रुप होते थे, जिसमें कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन इसके सदस्य होते थे, लेकिन रूस में इस ग्रुप के साथ साल 1998 में जुड़ गया। क्या है G20? ये कैसे करता है काम? 1999 से पहले एशिया कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इसके बाद जर्मनी के बर्लिन में G8 की बैठक के दौरान G20 का गठन किया गया। साल 2007 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुख के स्तर का बना लिया गया। G20 समूह का पहला सम्मेलन अमेरिका के वॉशिंगटन DC में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों का सम्मेलन, जहां सदस्य देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय, व्यवसाय, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना होता है। दुनिया की GDP में G20 देशों की हिस्सेदारी करीब 85% है। इसके अलावा दुनिया का कुल 80% प्रोडक्शन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह में इसकी 75% हिस्सेदारी है। G20 के पास कैसी शक्तियां हैं? G20 सदस्य देशों के बीच दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और उसको बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। इसमें एजुकेशन, रोजगार और खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने जैसे मुद्दों पर फैसले लिए जाते हैं। कोई खास शक्ति की बात ऐसे में नहीं होती। इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका से तय किया जाता है और हर सम्मेलन को वर्तमान, पिछले और भविष्य के राष्ट्राध्यक्षों के समर्थन से आयोजित किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है। इस साल भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली और दिल्ली NCR में सरकार और प्रशासन की ओर से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। तो चलिए अब आपके लिए जरूरी सूचना है। पाबंदियों को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, तो चलिए जवाब हमारे पास है। 8 से 10 सितंबर तक लॉकडाउन लगेगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो हम आपको साफ कर देना चाहते हैं कि कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई सामान स्टॉक करने की जरूरत है। G20 के लिए दिल्ली को कई जोन में बांटा गया है। नियंत्रित जोन 1, G20 के कार्यक्रम नई दिल्ली, लुटियंस दिल्ली में होने वाले हैं। इसके लिए यहाँ प्रतिबंध ज्यादा है। नई दिल्ली जिले के पूरे इलाके को 8 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर रात करीब 12 बजे तक नियंत्रित जोन 1 में रखा गया है। नियंत्रित जोन 2, 9 सितंबर की रात 12 बजे से 10 तारीख को दोपहर 2 बजे तक नियंत्रण जोन 2 में आवाजाही बाधित रहेगी। नियंत्रित जोन 2 के दायरे में नई दिल्ली के अलावा तिलक मार्ग, डब्लू पॉइंट्स, ITO क्रॉसिंग, विकास मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, चमनलाल मार्ग, असफ अली रोड, महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड, IP फ्लाईओवर, शांतिवन चौक, हनुमान सेतु और सलीमगढ़ बाईपास आएंगे। विनियमित जोन 8 तारीख की सुबह 5 बजे से 10 तारीख की रात 12 बजे तक रिंग रोड से अंदर की ओर का पूरा इलाका रेगुलेटेड जोन में आएगा। दिल्ली में क्या क्या बंद रहेगा? G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में तैयारियां की गई है। दिल्ली सरकार ने 8, 9 और 10 सितंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। दिल्ली में स्थित केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग, कार्यालय, संगठन, उपक्रम, निगम बोर्ड,
सांविधिक निकाय, शैक्षणिक संस्था, इनके अलावा सभी निजी कार्यालय, शैक्षणिक और दूसरे संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे। साथ ही नई दिल्ली पुलिस जिले के अधिकारी क्षेत्र में स्थित सभी वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्थाएं, दुकानें, वाणिज्य और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। नई दिल्ली और NDMC क्षेत्र में ऑनलाइन खाना मंगवाने जैसी डिलीवरी सेवा नहीं मिलेगी। हालांकि मेडिकल जांच के लिए घर आकर सैंपल लेने की अनुमति होगी। नई दिल्ली में बाहरी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। यहां DTC क्लस्टर भारी वाहन और निजी बसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में क्या क्या खुला रहने वाला है? 7 सितंबर तक पूरी दिल्ली सामान्य दिनों की तरह चलती रहेगी। नई दिल्ली और NDMC क्षेत्र में 8 से 10 सितंबर तक सभी दुकानें और रेस्तरां बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नई दिल्ली जिले के अलावा दिल्ली के बाकी इलाकों के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के दूसरे इलाकों में आवश्यक सेवाओं और किराना स्टोर, सब्जी, दूध, दवा की दुकानें खुली रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर दिल्ली में मेट्रो चलती रहेगी और सभी स्टेशन खुले रहेंगे। क्या दिल्ली के बाजार बंद रहेंगे? नई दिल्ली को छोड़कर बाकी दिल्ली के बाजार खुले रहेंगे, लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली के वीकली बाजार इस दौरान बंद रहेंगे। यातायात के खास प्रबंध और निर्देश। G20 सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा और दिल्ली NCT में सुविधा ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन की ओर से कुछ निर्देश और नियम जारी किए गए हैं। आवश्यक सेवाओं में कोई रुकावट ना आए इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सारी सेवाएं किसी न किसी रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली पुलिस ने इसका पूरा प्रयास किया है। अगर यात्रा बहुत जरूरी है तो इस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, रिंग रोड, आश्रम चौक, सरायका लेखा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा लिंक रोड, पुष्ता रोड, युधिष्ठर सेतु, ISBT कश्मीरी गेट, रिंग रोड, मशहूर का टीला, एम्स चौक से रिंग रोड, धोला कुआं, रिंग रोड, बराड स्क्वायर, नारायणा फ्लाईओवर, राजौरी गार्डन जंक्शन, रिंग रोड, पंजाबी बाग जंक्शन, रिंग रोड, आजादपुर चौक, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सन डायल, DNT फ्लाईओवर, रिंग रोड, आश्रम चौक, भूलचंद अंडरपास, एम चौक, रिंग रोड, धौला कुआं, रिंग रोड, बराड स्क्वायर, नारायणा फ्लाईओवर, ईस्टर सेतु से रिंग रोड, चांदगी राम अखाड़ा, माल रोड, आजादपुर चौक, रिंग रोड, लाला जगत नारायण मार्ग। G20 सम्मेलन के मेहमानों को ITC मौर्य, ताज मान सिंह ओबरॉय होटल, द ललित, ली मेरिडियन, हयात रेजिडेंसी होटल्स, शांगिरला, कैलोरिजिस, इंपीरियल होटल और दूसरे कुछ होटलों में ठहरने का प्रबंध किया गया है। इन होटलों के पास थोड़े समय के लिए आवाजाही पर नियंत्रण किया जा सकता है। किन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी? आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति, ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध नो एंट्री परमिशन के साथ दिल्ली में प्रवेश की इजाजत होगी। दिल्ली में पहले से मौजूद भारी, मध्यम और हल्के माल वाहनों को 7 सितंबर को रात 9 बजे से 10 सितंबर को रात 12 बजे तक रिंग रोड और रिंग रोड में आगे दिल्ली बॉर्डर की तरफ से सड़क नेटवर्क पर प्रतिबंध समय के अनुसार चलने की अनुमति दी जाएगी। अंतर्राज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की इजाजत होगी, हालांकि इन बसों का आखिरी पॉइंट रिंग रोड पर ही रहेगा। एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। हालांकि ऐसे यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों को ही चुनें। नियंत्रण जोन 2 में 10 सितंबर को सड़क मार्ग प्रभावित रहेगा। अजमेरी गेट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर, गीता कॉलोनी से शांतिवन चौक की ओर, विकास मार्ग से ITO की ओर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग से राजघाट चौक की ओर, मिंटो रोड से गुरु नानक चौक की ओर। रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचे? वैकल्पिक मार्ग का ही इस्तेमाल करें। ऑटो टैक्सी चलेंगे? ऑटो टैक्सी को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11 बजे तक किसी भी ऑटो टैक्सी को नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि नई दिल्ली जिले के स्थानीय निवासियों, नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर स्थित होटलों में और वैध बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सी को नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी गई है। मेट्रो सेवाएं चालू रहेंगी या बंद? सभी मेट्रो स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11 बजे तक बंद रहेगा। बस और सिटी बस सेवाएं चालू रहेंगी अब। सिटी बस दिल्ली के रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर रोड नेटवर्क पर संचालित होगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर निकलने की अनुमति होगी। हालांकि नई दिल्ली जिले में सिटी बस सेवा उपलब्ध नहीं होगी। एयरपोर्ट कैसे पहुंचे? दिल्ली पुलिस ने आग्रह किया है कि फ्लाइट यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी गाड़ी या टैक्सी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिल्ली ट्रैफिक की ओर से जारी किए गए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के लिए दिशा निर्देश है। दिल्ली की सभी संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे अपने यहाँ कर्मचारियों के लिए फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट रखें और अगर मुमकिन हो तो संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए वाहन उपलब्ध कराएं। इसके अलावा आयोजन स्थल के आसपास की संस्थाओं का अगर इंटरनेट बंद हो तो उसका वैकल्पिक प्लान भी तैयार करें। इलाकों में बंद रहेंगे बैंक। जरूरी सूचना है आपके लिए।
8 सितंबर को नई दिल्ली जिले के सभी बैंक बंद रहेंगे, बाकी दिल्ली में बैंक खुले रहेंगे। चूंकि 9 सितंबर को शनिवार, 10 सितंबर को रविवार है, तो इन दोनों दिन हर जगह बैंक बंद रहेंगे। क्या अस्पताल और जरूरी सेवाएं भी बंद रहेंगी? G20 सम्मेलन के दौरान सारी आवश्यक और आपातकालीन सेवा जारी रहेंगी। ओला उबर कैब चलेंगी, नियंत्रित जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में ओला उबर कैब सेवाएं चालू रहेंगी। नई दिल्ली में पेट्रोल पंप ATM खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप और ATM आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, इसलिए चालू रहेंगे। पेट्रोल पंप कर्मचारी अपना ID कार्ड दिखाकर नई दिल्ली में आसानी से आ सकते हैं। मीडिया कर्मचारी अपनी गाड़ी कहां पार्क करें? जिन मीडिया कर्मचारियों के पास कार्यक्रम का आमंत्रण है या जिन्हें परमिशन दी गई है, उनकी गाड़ियों के लिए JLN स्टेडियम में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लोकल ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी। लोकल ट्रेन सेवाएं जैसे हरियाणा दिल्ली लोकल ट्रेन चलती रहेंगी। ट्रैफिक का ताजा हाल जानने कैसे जाने और असुविधा होने पर कैसे बताएं? दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट पर जाएं, फेसबुक पेज पर जाएं और उसके माध्यम से अपडेट लें। मैपल्स ऐप के जरिए भी आप ट्रैफिक अपडेट पा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़े रहें, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। कोई असुविधा होने पर आप व्हाट्सएप नंबर और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी स्कूल बंद रहेंगे? तो अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ कंपनियों ने खुद ही अपने कर्मचारियों को 8 से 10 सितंबर के बीच वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया है। अब G20 सम्मेलन में सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग ले रहे हैं, तो वैसे में हम भारतीय हैं और अतिथि देवो भव हमेशा से ही भारत की संस्कृति रही है। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते हम सभी को भी वासुदेव कुटुंबम की भावना से अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत करना है। इसलिए दिल्ली वासियों से खासा अपील है कि वो पुलिस की पूरी सहायता करने की कोशिश करें, ताकि देश का मान सम्मान बढ़ता रहे। और ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है G20, और यहाँ से मेहमान अच्छी और बेहतरीन और एक खुशनुमा यादें लेकर जाएं।